धेरै दिनदेखि बन्द रहेको पेसोक चियाबारी आजदेखि सरकारी अधिनियम अनुसार मालिक अञ्जली ट्रेडर्सद्वारा पहाडको सम्पूर्ण श्रमिक संगठन साथै डीटीए प्रमुख सचिव लगायत दार्जिलिङ डीएलसीको उपस्थितिमा खोलिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस विषय लिएर विशेष श्रमिकहरू हर्षित बनेका छन्। पूरा सपोर्ट करेगा तो मैं इसको आगे तक लेके जाएंगे, ये मेरा वचन है। ठीक है, थैंक यू सर। आज देखिए पेशोक चिया बगान संचालन में आना हई शुरू भो पेशोक को बंद भएको इतिहास सब था विगत दसैँदेखि भनौँ 2020 दसैँदेखि नै फेरि यो घटना दसैँको रूपमा कारोबारको रूपमा एउटा बन्द भयो र विशेष गरी हाम्रो राज्यको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको निर्देशमा अनि माननीय मलय घटक एवं उहाँको एन्टायर टिम लगायत डिएलसी दार्जिलिङको तत्परतामा अनि सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि यो अपरेटिभ ट्रेड युनियन छ पहाडको ट्रेड रेजिस्टर्ड ट्रेड युनियन छ उहाँको सम्पूर्णको प्रयासमा तत्परतामा आज हामी यो पेसोक चियाबारी खोल्नमा सक्षम भएका छौँ। अनि अञ्जली ट्रेडर्स भर्खरै तपाईँहरूको अगाडि मालिकले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पेसोकलाई धेरै अगाडिसम्म लाने प्रतिबद्धता जनायो अनि हामी सम्पूर्ण ट्रेड युनियन पनि यही सम्पूर्ण वर्कर्सहरूको पक्षमा वर्कर्स पनि यही चाहन्छ कि यो बन्द यो पेसोक चियाबारीले अब फेरि पनि बन्दको अवस्था झेल्नु पर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ र अनि हामी यस चियाबारी राम्रो होस् अघिसम्म सफल भएर जाओस्। पहिलाको जुन चाहिँ रेकर्ड थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन चाहिँ एउटा चिया पेसोकको एउटा नाम थियो त्यो नाम फेरि यसले प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हामी त्यही अपेक्षा राखेको छौँ सम्पूर्ण युनियनका नेतृत्वहरू। आजदेखि हामीले पेसोक चिया बगान खोलिरहेको छ यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण पाहाडमा रहेको ट्रेड युनियन जति पनि छौँ हामी राजनीतिक पार्टीको ट्रेड युनियनमा एकसाथमा आएर हामीले यो आवाजलाई बुलन्द बनाएको थियौँ र यसमा हामी बङ्गालको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी साथसाथै हाम्रो भारप्राप्त मन्त्री लेबर मिनिस्टर हुनुहुन्छ हाम्रो मलय घटक छ उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद। अनि हाम्रो दार्जिलिङ पहाडबाट पनि अहिले चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ जिटिए क्षेत्रबाट पनि यो बन्द बगानहरूमा जतिवटा पनि बगानहरू बन्द भएको छ यो बगानहरूलाई खोल्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यसको निम्ति एउटा कमिटी बनिएको छ सातजनाको एउटा कमिटी बनिएको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिटिएको प्रमुख कार्यपाल पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू धेरै कसरत गर्नुभयो यो बगानहरू खोल्नुमा साथसाथै यो बन्द बगानहरूलाई फौलाइ दिनेमा पनि उहाँहरूले कसरत गरेर यो अहिले पाँचवटा तपाईँले देख्नुभयो पाँचवटा बगानहरूमा अब फौलाइ पनि सुरु हुँदैछ अनि यो पेसोक चिया बगान आज खोलिँदैछ। यसको निम्ति हामी यो जुन चाहिँ आज टिम उहाँको एउटा तयारी भएको छ जुन चाहिँ एउटा कमिटी बनिएको छ जुन चाहिँ लेबर मिनिस्टरको हेडमा र उहाँहरूलाई हामी एकदमै हृदयबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ अनि सम्पूर्ण पेसोकवासीलाई हामी जति पनि यहाँ पेसोकमा काम गर्ने अब हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्टाफ सब स्टाफ म्यानेजमेन्टदेखि सबै सबैलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ जुन प्रकारको पेसोकको पहिला नाम थियो त्यो नामलाई तपाईँले फेरि फर्काएर ल्याउनुहोस् अनि पेसोक जुन चाहिँ एउटा पहिलादेखिको नाम रहेर आएको छ त्यो गरिमा फर्काएर ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी यहाँबाट उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ साथसाथै सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको ट्रेड युनियन मिलेर जुन चाहिँ आज यो जग्गामा आएर हामी बगान खोल्न सकेको छौँ यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको हाम्रो पार्टी ट्रेड युनियनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बलदेव मण्डल डेपुटी लेबर कमिश्नर जिटिए दार्जिलिंग। एक्चुअली आज जो पेशोक का जो आज पूजा पाठ हुआ है आप देख रहे हैं पेशोक का जो बंद हुआ था बंद गार्डन को आज खुलने के सब खुशी का वहाँ आमेज में है। मैं भी यहाँ पर इसका शामिल होने के लिए मैं आए हैं देख रहा हूँ सब ठीक ठाक ही है। अभी तो जो मैनेजमेंट आए हैं अंजलि ट्रेडर्स उसके साथ एग्रीमेंट हुआ गया हमारा ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिस में एग्रीमेंट हुआ था सब ऑल जो ट्रेड यूनियंस है 8 जो ट्रेड यूनियंस यहाँ पर है हिट में जॉइंट फोरम एंड टीएमसी एंड बीजीपीएम सब मिलकर जो एग्रीमेंट हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफिस में एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट में जो पॉइंट था अभी तो श्रमिक का पक्ष में जितना आपको ड्यूज और जितना आपको लाइबिलिटीज था बागान चलाने के लिए जो प्लान्स प्रोग्राम्स होने वाला है वो सब कुछ इंसर्ट कर दिया है। इसके मुताबिक जो आज जो मालिक स्टे फॉरवर्ड करके जो आज खुलने के लिए वादा किया था आज पूजा पाठ हो गया शुभ दिन है इसीलिए आज पूजा पाठ हुआ है सब श्रमिक लोग एक साथ हुआ है मालिक लोग हैं गवर्नमेंट लोग आदमी हैं
सब ट्रेड यूनियन वाला लीडर है, एक साथ मिलकर अच्छे तरीके से ये आज जो सुबह उद्घाटन हुआ था, जो रीओपनिंग जो गार्डन का हुआ था, हम ये बोलना चाहता हूँ कि आज इस सुबह दिन में जितना पहले जो मैनेजमेंट जो चलाया था, जैसे चलाया था, उसका बारे में हम कुछ नहीं बोलूँगा। हम एक शब्द बोलूँगा, जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो आगे बढ़ना है, जो ये मैनेजमेंट आए हैं सबको साथ लेकर चलने का जो वादा किया है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से हम विटनेस है कि इसका जो पॉइंट्स है, उसका जो आगे बढ़ने का जो पॉलिसी है, ऐसे करके जो आगे जाएगा तो गार्डन चलेगा, सर्वाइव करेगा। हम एक बात और भी ऐड करूंगा, क्योंकि वर्कर लोग, लीडर लोग, सब जो लोकल आदमी हैं, गार्डन को जो चाय का मान, चाय बागान का जो हिसाब है, चाय बागान को परिस्थिति है दार्जिलिंग में, सबको याद रखकर हम लोग का जो आगे हम अच्छे तरीके से जाएंगे तो हमको सबको मालिक को हाथ सख्त करना है, सबको साथ देना पड़ेगा, गवर्नमेंट इसका साथ है, क्योंकि जो सिचुएशन है सही, उसको जो हिंड्रेंस को हम ओवरकम करेगा तब हम मालिक को साथ देगा, मालिक एक साथ वर्कर का साथ रहेगा, तब खुशी खुशी विन विन सिचुएशन आएगा, जरूर आएगा। पेशक गार्डन एक अभी जो ब्रांड था, पेशक का जो चाय का ब्रांड था, वो ब्रांड आगे अब फिर से आ जाए मार्केट में, ये हम चाहते हैं, गवर्नमेंट यही चाहते हैं। थैंक यू।